भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान के झोटवाड़ा विधानसभा से विधायक वर्तमान राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने अल सुबह क्वींस रोड स्थित आवासीय योजना नेमी सागर कॉलोनी से पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत की। नेमी सागर वेलफेयर सोसाइटी में कटारिया ने नीम के पौधों की नींव रखी, साथ ही इन पौधों की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉलोनी वासियों की है। वैसे तो पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है, माना जाए तो हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। जीवन प्रदान करने के साथ साथ ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने का मुख्य साधन पेड़ पौधे होते हैं। इसी बीच कटारिया ने कहा कि हमको पेड़ पौधों का महत्व समझना चाहिए, साथ ही हर इंसान को एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। वहीं उन्होंने पर्यावरण को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे लोगों के लिए कहा कि वो लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, तो आप इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वर्षा का क्या महत्व है और पूरे देश और दुनिया में वातावरण बना हुआ है। आपको सभी पता है कि हर आदमी को अपने जीवन जीने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। पेड़ इस धरती के श्रृंगार है और जीवन में हर आदमी यदि अपने जीवन में एक पेड़ लगा के उसको पाले, उससे बड़ा पुण्य का काम कोई धरती पे नहीं। सर, आपने पेड़ लगाने की बात कही, लेकिन आजकल की मुहिम ये छेड़ रखी है कि आजकल तो जंगलों में कटाव चल रहा है, वृक्षों की कटाई चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, पर हम लोगों को अपना काम करना है। मतलब आपका कहना है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाने चाहिए? बिल्कुल, पेड़ लगाने चाहिए, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, हर परिवार में हर मेंबर को लगाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राज्य सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री, जिन्होंने आज यहाँ पर नेमी सागर में शिरकत की है इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर शिरकत की है। तो कैमरामैन इमरान के साथ मैं प्रिंस परमार, नवतेज टीवी। इस दौरान सोसाइटी अध्यक्ष लाल सिंह सिसोदिया, उपाध्यक्ष जय कुमार बड़जात्या, जे के जैन, मुकेश प्रजापत, श्रीनिवास गुप्ता, पूनम ठोलिया और जितेंद्र सामोता, डॉक्टर एस के शर्मा सहित सोसाइटी के लोग मौजूद रहे। सभी की उपस्थिति में वहां नीम और जामुन के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे लोगों से कटारिया ने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की अपील की। जयपुर से संवाददाता प्रिंस परमार की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।